क्यों? आज जो इमरान खान का खिताब था यहाँ पर, उसमें ना तो 1100 अरब का कोई वादा था, ना सड़कों का कोई वादा था, ना पानी का कोई वादा था, ना ही तरक्याती मंसूबों का कोई ऐलान था कि वो जब हुकूमत में आएंगे तो वो 50 लाख घर देंगे या 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे या डैम्स बनाएंगे या दरख्त लगाएंगे। कोई वादा नहीं था, क्योंकि इमरान खान इस कौम को समझ चुके। मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जो लोग थे जब इमरान खान 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहे थे, या कोई नारा नहीं लगा था, लोग खामोश सुन बैठे हुए थे। इमरान खान जब डैम्स के वादे कर रहे थे, इमरान खान जब पानी और उसके मंसूबों के, सेवरेज के मंसूबों के वादे कर रहे थे, जब यहाँ पर ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन बसेस के और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है मेट्रो ट्रेन और कराची सर्कुलर रेलवे चलाने की बातें कर रहे थे, तो लोग सुनते, इतना जोश नहीं था। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर ऐसा नारा, जो अमरीका मुखालिफ नारा, ऐसा लोगों को पसंद आया। जैसे ही वो अमरीका मुखालिफ नारा कोई बात करते थे कि गुलामी कबूल नहीं है और आजादी से जिंदगी गुजारेंगे, तो लोगों का जोश व खरोश जो है वो देखने के काबिल होता था। तो इमरान खान इस कौम को समझ चुके हैं कि इस कौम को कुछ नहीं चाहिए, ना इस कौम को नौकरियां चाहिए, ना घर चाहिए, ना कुछ। इस कौम को बस इस तरह के नारे जोशीले चाहिए, इस कौम को इस तरह के एक जोशीले किस्म के नारों में जो है वो उलझा के रखो, ये खुश रहती है कौम। तो मैंने एक चीज अंदाजा लगाया कि यहाँ पर हमें जो है वो लीडरशिप बदलने की जरूरत नहीं है, या अपना आइन बदलने की नहीं, बल्कि हमें पूरी कौम बदलने की जरूरत है। हमारी पूरी की पूरी कौम जो है वो माशाल्लाह फारिग हो चुकी है, उनको तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने सारी बातें, जो महंगाई इमरान खान ने की, जो बैड गवर्नेंस की, जो करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए इस गवर्नमेंट में, सब भूल गए लोगों को। लेकिन उन्होंने इमरान खान के नए नारे के साथ जो है वो लबैक कहा है कि अमरीका की गुलामी कबूल नहीं है। अच्छा, लोग यहाँ जो नीचे मौजूद थे वो अमरीका मुर्दाबाद नारे लगा रहे थे, लेकिन जो स्टेज पर लीडरशिप मौजूद थी उनमें से किसी ने नहीं कहा कि अमरीका मुर्दाबाद, बल्कि इमरान खान ने तो खुद ये भी कह दिया कि वो अमरीका के खिलाफ नहीं है। जब आप अमरीका के खिलाफ नहीं है तो भाई ये फिर ये लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? ये बेचारे जो आए हुए हैं, इनके साथ इनका क्या कसूर है? तो आप खुलकर अपना बयानिया बयान करें कि या तो अमरीका मुर्दाबाद है या फिर अमरीका नहीं है। हमारा जैसे उनका दोस्त है ऐसे हमारा भी दोस्त है। तो ये तजाद था। दूसरा, जो PGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि ये साजिश नहीं थी। इमरान खान ने आज खिताब में कहा कि ये साजिश है। तो ये बड़ा एक क्लैश मुझे नजर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फौज के बयानिए में जो है वो बड़ा फर्क है। उन्होंने